प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए रमित शर्मा ने आज कार्यभार संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना और उसको निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने कहा कि वह जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे, अपराधियों और माफियाओं में डर और खाकी का इकबाल कायम रखने का कार्य किया जाएगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रयागराज में लागू होने के बाद मेरे द्वारा आज कार्यभार ग्रहण किया गया है। प्राथमिकताओं में ये रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो समस्त प्राथमिकताएं हमारी हों। अपराध, भ्रष्टाचार, इनके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रहे। जनता को बेहतर सुनवाई और उनके मन में एक विश्वास रहे कि पुलिस उनके सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए है। और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनके मन में एक भय रहे कि पुलिस जो है वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, उनके मन में कानून के प्रति डर हो, ये प्राथमिकताओं में रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।